देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें राजीव गांधी की जीवनी को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रदेश के कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने किया। ये प्रदर्शनी 21 मई राजीव गांधी की पुण्यतिथि तक चलेगी और कांग्रेस इस बार पुण्यतिथि गेटी थिएटर में ही मनाएगा, जहाँ राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस के नेताओं की भी इसमें शामिल होने की संभावना है। इस प्रदर्शनी में राजीव गांधी के बचपन से लेकर अंतिम क्षणों तक के चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी में शिमला शहर के स्कूलों के बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा कि एक सच्चे राजनेता जिन्होंने राजनीति से ज्यादा जनसेवा को महत्व दिया, उन्होंने रूढ़िवाद धर्मांधता से ज्यादा विज्ञान को महत्व दिया। राजीव गांधी ने विकसित और विकासशील देशों के बीच के फासलों को न सिर्फ कम किया, किंतु उस फासले को मिटाने के लिए एक पुल के समान सोच भी विकसित की। भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर भारतीय युवा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश शिमला में 21 मई तक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन गेटी थिएटर में किया जा रहा है। राजीव जी ने न सिर्फ देश की उन्नतियों के लिए विज्ञान का सहारा लिया, बल्कि उन्होंने देश में अमन व भाईचारा बनाए रखने के लिए भी तकनीक का प्रयोग किया। उनके बारे में युवा पीढ़ी जान सके, इसके लिए प्रदर्शनी लगाई गई है। चित्र प्रदर्शनी उनके जीवन की एक छोटी सी झांकी है। ऐसे राजनेता के जीवन को जानना हम सभी देशवासियों का सौभाग्य है। चित्र प्रदर्शनी के आखिरी दिन यानी कि 21 मई 2022 को स्वर्गीय राजीव गांधी जी को गेटी थिएटर शिमला में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मैं सबसे पहले तो इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास जी, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से हिमाचल प्रदेश में 21वीं सदी के दूरदर्शी राजीव गांधी चित्र प्रदर्शनी का आयोजन शिमला के अंदर किया और इसकी आज इसकी ओपनिंग थी। और ओपनिंग के लिए मैं हर्ष महाजन जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, वो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। और जो ये फोटो एग्जीबिशन है, ये 14 तारीख से आज से शुरुआत इसकी हो चुकी है और ये 21 तारीख तक जो डेथ एनिवर्सरी राजीव गांधी जी की हम कांग्रेस पार्टी मनाती है, 21 तक ये चलनी है फोटो एग्जीबिशन। इसमें मैं बताना चाहूँगा, सुबह 11 बजे से ये फोटो एग्जीबिशन की शुरुआत होगी, शाम को 7 बजे तक ये फोटो एग्जीबिशन चलेगी। इसमें मुख्यतः देखिए, हम बताना चाहते हैं जो 21वीं सदी की जो दूरदर्शी सोच स्वर्गीय राजीव गांधी जी की थी, उसमें इस फोटो एग्जीबिशन में उनके बर्थ से लेकर डेथ तक का जो सफ़र राजीव जी का रहा है उसको एक्सप्लेन किया गया है। वो आए और इस फोटो एग्जीबिशन को जो भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है, आदरणीय श्रीनिवास जी के द्वारा चलाया जा रहा है, इस फोटो एग्जीबिशन में वो अपना पार्टिसिपेट करें। और यहाँ पर स्पेशल मैं बताना चाहूँगा, इस फोटो एग्जीबिशन को एजुकेट करने के लिए हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पर मॉर्निंग 11 AM से लेकर शाम को 7 बजे तक रहेंगे। और इसमें पूरी की पूरी जो राजीव जी की आप सोच देखिए, इसमें एक सेक्शन हिमाचल प्रदेश का भी इसमें रखा गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के लीडर्स के साथ उनकी चित्र है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ उनका क्या लगाव था, वो भी इस फोटो एग्जीबिशन के माध्यम से वो दर्शाता है कि भी राजीव जी हमेशा जनता के बीच में, उनको उन्हें जनता से इतना प्यार था, जनता के लिए वो जीते थे। कुछ अब देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हमने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास जी ने उनको इनवाइट भी किया था, उनके आने का पूरा उनका उन्होंने आने के लिए कहा भी था। पर साथ ही में आपको पता है कि उदयपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर चल रहा है, उसके चलते वो नहीं आ पाए और हम कोशिश करेंगे कि 14 से लेकर 21 तक ये चलना है पूरा का पूरा फोटो एग्जीबिशन। इसमें कोशिश करेंगे कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उसमें तमाम उनको मतलब कि इस फोटो एग्जीबिशन में आए। और साथ ही साथ मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता से निवेदन भी करना चाहूँगा, 21 तारीख को जो ये श्रद्धांजलि समारोह है, वो इस बार जो राजीव जी का जो श्रद्धांजलि समारोह रहेगा, जो डेथ एनिवर्सरी हम मनाएंगे, वो इसी फोटो एग्जीबिशन में यहाँ पर उनको अंतिम जो लास्ट का जो दिन होगा उसमें उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी।